मधुबनी में महिला शराब तस्करों ने एसएसबी जवानों पर किया पथराव। गश्ती पर निकले एसएसबी जवानों को देख शराब को पटक नेपाल भागी महिला तस्कर। फिर एसएसबी जवानों पर नेपाल क्षेत्र से महिला तस्कर करने लगी पथराव। सीमावर्ती क्षेत्र हरलखी की घटना। एसएसबी जवानों पर पथराव की सूचना पर भारी संख्या में पुलिस और सशस्त्र सीमा बल के जवान पहुंचे। फिर एसएसबी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 1375 बोतल शराब व 450 ग्राम गांजा जब्त। मधुबनी जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में सशस्त्र सीमा बल और पुलिस की लाख सख्ती के बावजूद सीमा पार पड़ोसी देश नेपाल से शराब की तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सशस्त्र सीमा बल और पुलिस ने सीमा पार होने वाले सभी प्रकार के अवैध कारोबार पर नकेल कसना शुरू कर दिया, तो अब तस्करों ने एसएसबी जवानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सीमावर्ती क्षेत्र हरलाखी में नेपाल से शराब तस्करी कर भारतीय सीमा में घुसने में विफल होने पर गश्ती पर निकले एसएसबी जवानों पर महिला तस्करों ने पथराव शुरू कर दिया। हालांकि इससे जवानों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंची। जानकारी के अनुसार हरलाखी में भारत नेपाल सीमा पर तैनात 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल पिपरौन कैंप के एसएसबी जवान व हरलाखी थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 1375 बोतल शराब व 450 ग्राम गांजा जब्त किया गया है। उसी समय महिला तस्करों द्वारा जवानों पर पथराव किया गया था। बताया जा रहा है कि उपनिरीक्षक लासिंग सिंगपो के नेतृत्व में अन्य एसएसबी जवान संयुक्त रूप से गश्ती पर निकले हुए थे। इसी क्रम में सीमा स्तंभ संख्या 283/23 के समीप नेपाल से शराब लेकर आ रही करीब आधा दर्जन महिलाओं ने शराब की बोरी को पटक कर नेपाल क्षेत्र में भाग गईं। फिर नदी के उस पार से एसएसबी जवानों पर पथराव करने लगी। हालांकि एसएसबी के प्रतिवेदन पर दर्ज प्राथमिकी में किसी भी जवान के जख्मी होने का जिक्र नहीं किया गया है। इधर महिलाओं के द्वारा किए जा रहे पथराव की सूचना पर पिपरौन कैंप प्रभारी इंस्पेक्टर सुनील दत्त भारी संख्या में जवानों के साथ मौके पर पहुंचे। तब तक सभी महिलाएं नेपाल के भीतर भाग चुकी थी। इसी क्रम में एसएसबी की गुप्त सूचना मिली कि उमगांव सहनी टोल में मनोज सहनी शराब छुपा रखा है। फिर एसएसबी की सूचना पर थाने से एसआई शत्रुघ्न कुमार महिला पुलिस के साथ मौके पर पहुंची, जहां उमगांव सहनी टोल में पुलिस व एसएसबी की संयुक्त छापेमारी में 546 बोतल शराब व 450 ग्राम गांजा बरामद किया गया। इस संबंध में एसएसबी के द्वारा करीब एक दर्जन लोगों को शराब तस्करी करने के आरोप में चिन्हित कर पुलिस से जांच करने का जिक्र एफआईआर में किया है। इस बाबत थानाध्यक्ष जितेंद्र सैनी ने कहा कि पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। हरलाखी से संवाददाता अमरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।